नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली की सजा रद्द कर दी है। सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों से बरी कर दिया गया है। इन मामलों में उसे ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं मोनिंदर सिंह पंडेर को जिन 2 मामलों में फांसी की सजा मिली थी उसे भी रद्द कर दिया गया है। दोनों आरोपियों ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस एस ए हुसैन रिजवी की बेंच ने आरोपियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। अपील पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पिछले महीने के फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अभी फैसले की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंडेर की वकील मनीषा भंडारी ने बताया कि अब इस केस में उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है, इसीलिए पंडेर जेल से बाहर आ जाएंगे। वकील के मुताबिक आज का फैसला 2 मामलों में आया था। इससे पहले 4 मामलों में वो बरी हो चुके थे। इनमें से एक मामले में सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में रद्द कर दिया था। बाकी के 3 मामलों में सेशन कोर्ट ने ही बरी कर दिया था। बता दें कि 17 साल पहले नोएडा के इस चर्चित सीरियल मर्डर केस ने सबको हिला कर रख दिया था। मामला नोएडा के निठारी गांव का है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक शख्स ने अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत पुलिस में की थी। बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंडेर के घर में वो लड़की काम करती थी। मोनिंदर नोएडा सेक्टर 31 के बंगले D5 में रहता था। शिकायत के बाद दिसंबर 2006 में पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पुलिस को पंडेर के फ्लैट के आसपास नालों में 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंडेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ 19 में से 16 मामलों में चार्जशीट फाइल की गई थी। 3 केस को सबूतों के अभाव के कारण बंद कर दिया गया था। जांच में पता चला कि बच्चों का यौन शोषण किया जाता था और उसके बाद आरोपी उनका मर्डर कर देते थे। बाद में ये भी सामने आया था कि सुरेंद्र कोहली नेक्रोफिलिया की बीमारी से ग्रसित हो गया था। इस मानसिक व्याधि से पीड़ित लोग लाशों के साथ सेक्स करते हैं। ये भी आरोप लगा था कि मालिक और नौकर बच्चों को मारकर उनका अंग निकाल लेते थे। इस मामले की जांच बाद में सीबीआई को सौंपी गई थी। जुलाई 2017 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने एक 20 साल की महिला की हत्या के मामले में पंडेर और कोहली को मौत की सजा सुनाई थी। इससे पहले साल 2009 में 14 साल की लड़की की हत्या और रेप के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोहली को दोषी करार दिया था, लेकिन पंडेर को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। कोहली ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।